गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो आज मैं आप लोगों के साथ एल्फ के प्रोडक्ट्स का रिव्यू करने वाली हूँ जो कि मैंने खुद के पैसों से परचेज किए हैं। एज यू गाइज नो कि अभी नायका के ऊपर एल्फ लॉन्च हुआ है। एल्फ एक ड्रग स्टोर ब्रांड है फॉर वेस्टर्न कंट्रीज, लेकिन हमारे लिए वो ड्रग स्टोर साबित नहीं हुआ है। चलिए जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वन बाय वन में जो जो प्रोडक्ट्स यूज़ करने वाली हूँ उन सबका रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, सबके प्राइस पॉइंट्स वगैरह मेंशन करूँगी। एंड जो भी प्रोडक्ट्स मैं यूज़ करने वाली हूँ सब मैंने अपने पैसों से परचेज किए हैं। सबसे पहले एल्फ का ये ड्यूई सेटिंग मिस्ट यूज़ करने वाली हूँ एज लाइक टोनर एज मिस्ट, बिकॉज यू नो दिस इज़ द सेटिंग मिस्ट। ये सेटिंग स्प्रे के जैसे भी काम करता है, फेस मिस्ट के जैसे भी काम करता है, ठीक है। और ये बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट लगा मुझे। ये 1100 रुपीज़ का है, कीप इन माइंड कि ये कोई अफोर्डेबल प्रोडक्ट नहीं है। सो फेस को मॉइस्चराइज कर रही हूँ। लनीज का यहाँ पे वाटर बैंक लिया है। ये मैं सब इसलिए दिखा रही हूँ जो भी मतलब मैंने साथ साथ में जो प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं ताकि आपको पता चले कि कौन सा प्रोडक्ट कैसे वर्क कर रहा है मेरी स्किन के ऊपर। सो ओके, सो स्किन को मॉइस्चराइज कर लिया है मैंने। एंड यहाँ पे मैं एल्फ का ये पुट्टी प्राइमर, पोरलेस पुट्टी प्राइमर यूज़ कर रही हूँ जो कि बहुत ज़्यादा आई थिंक फेमस वाला है, लेकिन ये मुझे प्रोडक्ट बिल्कुल बढ़िया नहीं लगा। अभी मैं आपको दिखाऊंगी, पहले तो इसका टेक्सचर देख लीजिए। ये बहुत ही बामी, बहुत ही अलग सा टेक्सचर था प्राइमर के तौर पे जब भी आज तक मैंने यूज़ किए हैं। या तो कोई सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर यूज़ किए हैं या कुछ डिफरेंट टेक्सचर के यूज़ किए हैं, ये कुछ अलग ही था। एंड इसने मेरी स्किन के ऊपर कुछ भी नहीं किया, ना तो मेरी स्किन को मैटिफाइंग बनाया। इसमें आपको तीन तरह के वेरियंट्स मिल जाते हैं, ल्यूमिनस, मैट एंड पोरलेस, ठीक है। मैंने पोरलेस वाला लिया जो कि 1100 रुपीज़ का आपको मिलता है, लेकिन इसने मेरी स्किन के ऊपर कुछ भी मुझे रिजल्ट नहीं दिखाया। यू कैन सी कोई मेरी पोर जो है ब्लर आउट नहीं हुई है, मेरी स्किन के ऊपर एक्स्ट्रा कुछ भी ऐड नहीं हुआ है, एक हल्की सी मॉइस्चराइजेशन ऐड हुई है। यू कैन सी हल्के से बहुत छोटे छोटे से पोर्स हैं मेरी स्किन के ऊपर, लेकिन उनको भी इसने फिल नहीं किया। तो मैंने सोचा चलो इसको एक बार फिर से अप्लाई करके देखते हैं, शायद थोड़ी क्वांटिटी ज़्यादा करने से कोई रिजल्ट मिले। लेकिन एज सच मुझे कोई भी रिजल्ट इसके साथ नहीं मिला, विच वॉज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग, बिकॉज 1100 रुपीज़ का मैंने प्राइमर बाय किया एंड इतना ज़्यादा हाई पिस्ट की सुनी हुई थी मैंने ये पुट्टी प्राइमर की, सच अ वेस्ट ऑफ मनी। सो मैं आपको हाईली हाईली बोलूँगी, सजेस्ट करूँगी कि इस प्राइमर को ट्राई मत करना। इसीलिए मैं आपको बोलूँगी कि पैसे वेस्ट मत करना, क्योंकि कोई अफोर्डेबल ये प्राइमर नहीं है, ठीक है। आई वॉज़ वेरी क्यूरियस एंड एक्साइटेड टू ट्राई स्पेसिफिक दिस प्रोडक्ट, लेकिन इसने मेरे को बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट किया। यू कैन सी कुछ भी अलग धलग मेरी स्किन के ऊपर नहीं लग रहा है, सो बिल्कुल रेकमेंड नहीं करूंगी ये प्रोडक्ट। चलो प्राइमर अप्लाई कर लिया है, अब यहाँ पे मैं अप्लाई करूंगी एल्फ का ये ऑयल फ्री सेटिन फिनिश मीडियम कवरेज फाउंडेशन। इस तरह की कांच की बॉटल में आपको मिलता है, पंप पैकेजिंग में मिलता है। इसमें आपको काफ़ी सारे शेड्स मिल जाएंगे। मैंने लिया है कैरमल न्यूट्रल अंडरटोन, ठीक है। वैसे तो मुझे लग रहा था कि ये मेरी स्किन टोन के अकॉर्डिंगली थोड़ा सा डार्क होगा, लेकिन स्किन के ऊपर ब्लेंड करने के बाद ठीक लग रहा था। तो इसकी कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा थिक नहीं है, बहुत ज़्यादा पतली नहीं है। एंड इसके मैंने अभी दो पंप लिए हैं, ठीक है, टू चेक आउट दी कवरेज की कैसे कवरेज देता है। और कैमो कंसीलर स्पॉन्ज ले रही हूँ मैं यहाँ पे, जो कि आता है 700 रुपीज़ का। और अगर फाउंडेशन की बात करूँ तो फाउंडेशन कॉस्ट करता है 800 रुपीज़ का, ठीक है। एंड 20 ml प्रोडक्ट की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा लेस है, बिकॉज यूनिवर्सल जो क्वांटिटी आपको मिलती है 30 ml मिलती है अगर आप फुल बॉटल लेते हो किसी भी फाउंडेशन की, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये फाउंडेशन की अगर मैं कवरेज की बात करूँ तो ये आपको मीडियम कवरेज देता है। यू कैन से शेयर टू मीडियम इसमें आपको कवरेज मिलती है। फाउंडेशन वॉज लाइक कि ठीक लगा मुझे फाउंडेशन, एज सच बहुत ज़्यादा बढ़िया नहीं लगा, एज सच बहुत ज़्यादा बुरा नहीं लगा। सो ओके ओके लगा मुझे फाउंडेशन, ठीक है फाउंडेशन। बट 800 रुपीज़ में आपको मेबलिन का सुपर स्टे मिल जाता है जो कि आपको फुल कवरेज देता है। इससे कम में 800 रुपीज़ से कम के प्राइस में आपको मेबलिन फिट में मिल जाता है, आपको लॉरियल के फाउंडेशन मिल जाते हैं। अगर 800 रुपये ना खर्चते हुए आप 200-400 और डालोगे इसमें, तब मिलानी का कंसील प्लस फाउंडेशन प्रॉपर ले सकते हो, ठीक है। तो यही बोलूँगी कि आपको ज़्यादा मैं ये रेकमेंड नहीं करूँगी, ट्राई करना चाहते हो तो आप ट्राई कर सकते हो, अदरवाइज इट्स अ ओके वाला प्रोडक्ट फ्रॉम एल्फ, ठीक है। जितनी मैंने हाइप सुनी थी उस अकॉर्डिंगली मुझे ये फाउंडेशन इतना ज़्यादा बढ़िया नहीं लगा,
अभी आप देख सकते हैं शेयर कवरेज मिली है मुझे दो पंप अप्लाई करने के बाद। अभी मैं दो पंप और अप्लाई करूंगी, ठीक है, चेक करने के लिए कि ये केकी होता है स्किन के ऊपर या फिर ये कैसी फिनिश इसकी मिलती है या कवरेज कितनी मिलती है बिल्डअप करने के बाद, ठीक है। तो टोटल मैंने चार पंप लिए हैं इस फाउंडेशन के, एंड इसको जब मैंने ब्लेंड किया तो एज सच बहुत ज़्यादा इसकी मुझे फुल कवरेज तब भी नहीं मिली, मीडियम वाली कवरेज थी, लेकिन केकी बिल्कुल नहीं हुआ, विच वॉज गुड, ठीक है। एक ये इसका अच्छा पॉइंट था कि ये बिल्कुल केकी नहीं हुआ बिल्डअप करने के बाद भी, और काफ़ी ज़्यादा फ्लॉलेस लग रहा था मेरी स्किन के ऊपर। और जो मैंने ड्यूई सेटिंग मिस्ट अप्लाई किया था उसके साथ पूरी जो मेरी स्किन थी वो काफ़ी ज़्यादा रेडियंटली ड्यूई सी ग्लो कर रही थी, यू कैन सी, बट कवरेज अभी भी मुझे शेयर मीडियम है, शेयर नहीं बोलूँगी, शेयर दो पंप में मिली थी, चार पंप के बाद मुझे मीडियम कवरेज मिली है। अब यहाँ पे कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ, मेरे पास एल्फ का कोई कंसीलर मैंने नहीं परचेज किया। हाँ, कवरेज सॉरी कंसीलर इसलिए दिखा रही हूँ बिकॉज मुझे ये स्पॉन्ज को ट्राई करना था, बिकॉज जो स्पेसिफिक ये स्पॉन्ज है ये है ही कंसीलर्स के लिए। अभी थोड़ा सा वाइटिश सा लग रहा है, ये ग्रे लग रहा है बिकॉज जो फाउंडेशन था वो थोड़ा सा ऑक्सीडाइज हुआ था मेरी स्किन के ऊपर, सो जो फाउंडेशन है वो भी हल्का सा ऑक्सीडाइज होता है। एंड इसमें आप शेड्स वगैरह अपने पिक कर लेना अगर आप परचेज करना चाहते हो, बिकॉज ठीक ठाक से आपको शेड्स मिल जाएंगे इसमें। एंड अगर मैं स्पॉन्ज की बात करूँ तो ये 700 रुपीज़ की स्पॉन्ज है जो कि सेम लगी मुझे जैसे कि मेरी ब्लू हेवन की स्पॉन्ज है, 125 और 150 रुपीज़ में मिल जाती है। बट हाँ, ब्लेंड अच्छे से किया, कवरेज ठीक ठाक सी मिली कंसीलर की, बिकॉज ये कैमो कंसीलर स्पॉन्ज है तो ये मेरी अंडर आई एरिया के पास में काफ़ी अच्छे से इसने ब्लेंड किया, लेकिन अकॉर्डिंग टू प्राइस पॉइंट ना थोड़ी सी महंगी है, 700 रुपये में एक स्पॉन्ज, इट्स टू मच, ठीक है। तो बाकी ऑल एंड ऑल ठीक ठाक सी लगी स्पॉन्ज मुझे, बस स्क्विशी बहुत है, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं आपको डालना पड़ेगा आपकी स्किन के ऊपर। एंड अगर मैं बात करूँ कि प्रोडक्ट कितना अब्सॉर्ब करती है, तो यूजली जितना अनदर स्पॉन्ज अब्सॉर्ब करती है प्रोडक्ट उतना ही इसने किया। पूरे फेस को सेट कर रही हूँ मैं शुगर का, यहाँ पे मैंने सेटिंग पाउडर लिया है कॉम्पैक्ट, बिकॉज मेरे पास कोई भी एल्फ का मैंने पाउडर वगैरह परचेज नहीं किया है। वैसे बहुत सारी प्रोडक्ट्स अभी लॉन्च हुए हैं एल्फ के, उसमें पाउडर्स भी हैं, आई थिंक कॉम्पैक्ट वगैरह भी हैं, लेकिन मैंने परचेज नहीं किए हैं। लेट्स स्टार्ट विद आई वाला एरिया। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ बाइट साइज आई शेडो, ये आपको 400 रुपीज में मिलती है, इसमें सिर्फ 4 शेड्स आपको मिलते हैं, इसमें आई थिंक 6 अलग अलग शेड्स में ये लॉन्च हुई है। मैंने अपने लिए लिया है ट्रफल शेड, और इसी के साथ मैं अपने आईब्रोज को भी फिल कर रही हूँ। अगर मैं बात करूँ इस आई शेडो पैलेट के बारे में या इसकी पिगमेंटेशन के बारे में या ये ब्लेंड कैसे होते हैं तो आपको आगे पता चल जाएगा, लेकिन आईब्रोज तो बड़े अच्छे से फिल हो गए थे मेरे। एंड ये जो ब्रश मैं यूज़ कर रही हूँ ये कफ्स एंड लैशेस का ब्रश है, ठीक है, स्पेसिफिक आईब्रो ब्रश ही है। एक साइड पे आपको एंगुलर सी शेप वाला ब्रश मिलता है, अदर साइड पे आपको स्पूली मिलता है। तो आईब्रोज मेरे बड़े अच्छे से फिल हुए, और स्पेसिफिकली जो ये आई शेडो पैलेट मैंने इसीलिए परचेज की थी ये वाला शेड, बिकॉज मुझे अलग से कोई आई शेडो प्रोडक्ट मैंने नहीं लिया है, आईब्रो प्रोडक्ट नहीं लिया है सॉरी। एंड इसमें जो शेड्स आपको दिख रहे हैं ये काफ़ी ज़्यादा वर्सेटाइल लगे, बिकॉज इसके साथ जो ये डार्क ब्राउन शेड है, दो डार्क ब्राउन शेड है, तो इनके साथ अपनी कॉन्टोरिंग वगैरह भी आप कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लाइटर ब्राउन शेड लिया है जिसको मैं अपनी एज अ ट्रांजिशन यूज़ कर रही हूँ, लेकिन ये आई शेडो पैलेट 400 रुपये के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा महंगी है, क्योंकि 400 रुपये में, 400 से 500 की रेंज में आपको वेट एंड वाइल्ड के 10 पैन आई शेडो पैलेट मिल जाती हैं, जिसमें आपको टोटल 10 शेड्स मिल जाते हैं अलग अलग, और उसमें भी आपको काफ़ी ज़्यादा वैरायटी मिलती है, हाइलाइटर शेड मिल जाता है, ट्रांजिशन है आपकी पूरी लिड के लिए आप यूज़ कर सकते हो, बहुत बढ़िया बढ़िया से शेड मिल जाते हैं, ठीक है। दो ये शेड ब्राउन वाले तो अच्छे से ब्लेंड हो गए, लेकिन आई वॉज क्यूरियस अबाउट, एक्साइटेड अबाउट दिस ब्लैक शेड जिसमें हल्के से ग्लिटर पार्टिकल्स थे, लेकिन आई लिड के ऊपर तो बिल्कुल ग्लिटर गायब हो गया। एंड जब मैंने इसको ब्लेंड करने की कोशिश की तो ये बहुत ज़्यादा पैची हो गया, एंड पिगमेंटेशन इज इन फ्रंट ऑफ यू, बिल्कुल भी पिगमेंटेशन ब्लैक की मुझे एज सच उतनी ज़्यादा नहीं मिली जितनी पैन में दिख रही है, ठीक है। तो उतनी ज़्यादा मुझे बढ़िया नहीं लगा ये आई शेडो पैलेट, बिकॉज 400 रुपये में आपको सिर्फ 4 शेड मिल रहे हैं, बहुत ही छोटी सी आई शेडो पैलेट है, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको ये बोलूँगी ये वाली आई शेडो पैलेट में आपको स्पेसिफिकली आई शेडो पैलेट एल्फ की
रेकमेंड नहीं करूंगी, 400 रुपए के अकॉर्डिंगली इट्स टू मच, ठीक है, बहुत ज्यादा महंगी है। सो अभी मैं लिक्विड आई शेडो यूज़ करने वाली हूँ। अगेन इसमें आपको आई थिंक 6-7 शेड मिल जाते हैं, 700 रुपये इसकी प्राइस है। एंड मैंने अपने लिए फ्लर्टी बर्डी शेड लिया है एंड ये बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर था मेरे स्विस ब्यूटी के जैसे, तो कोई तुक नहीं बनती कि आप ये वाला 700 रुपये वाला लिक्विड आई शेडो लो जबकि आपको 200 या अंडर 200 में स्विस ब्यूटी का लिक्विड आई शेडो मिल जाता है। बहुत अदर बहुत अफोर्डेबल ब्रांड्स में भी आपको लिक्विड आई शेडोज मिल जाते हैं, ठीक है। मेरे पास ना तो काजल एल्फ की तरफ से ना ही आईलाइनर मैंने परचेज किया, तो मैं अपना हुडा ब्यूटी का यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ टू कंप्लीट माय आई लुक। एंड इसके अलावा भी इसके बिना भी मैं अपनी आई लुक कंप्लीट कर सकती थी, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा था काजल एंड आईलाइनर अप्लाई करना, इसलिए मैंने अप्लाई किया। और अगर मैं आपको एल्फ का लिक्विड आई शेडो बोलूँ तो आपको रेकमेंड सजेस्ट नहीं करूँगी बिकॉज बहुत महंगा है, आपको स्विस ब्यूटी में मिल जाएगा सेम टू सेम। एल्फ का ही मैंने यहाँ पे वाटरप्रूफ वॉल्यूम एंड लेंथ मस्कारा लिया है, ये 600 रुपीज़ का है। एंड अगेन छोटू सा इसका जो ये वॉन्ड है, पहले तो मुझे लगा कि अच्छे से काम करेगा, लेकिन ना तो ये लेंथ देता है, ना ये वॉल्यूम ऐड करता है, ना ये लिफ्ट करता है। यू कैन सी आई वॉज स्ट्रगलिंग कि कुछ तो मिले लेकिन कुछ नहीं मिला। 600 रुपये ये भी मेरे वेस्ट हो गए, कुछ भी नहीं किया, इट्स लाइक मीडियोकर, मतलब मीडियोकर से भी नीचे, ठीक है, कोई भी मस्कारा, ये तो मस्कारा मुझे बिल्कुल भी बढ़िया नहीं लगा। 600 रुपीज़ में आपको लॉरियल मेबलिन में बहुत बढ़िया बढ़िया मस्कारास मिल जाते हैं एंड जो कि आपको लाइक यू नो होलसम वाले हैं, जो लेंथ देते हैं, वॉल्यूम देते हैं, लॉन्ग लास्टिंग है, बहुत ही बढ़िया से काम करते हैं। हाँ, लोअर लैशेज को थोड़ा सा कोट इसने अच्छे से कर दिया था बिकॉज इसका वॉन्ड थोड़ा सा छोटा है। ओके, अब बहुत बड़ी गड़बड़ी होने वाली है बिकॉज मैंने ये मेटेलिक शेड को ना एज हाइलाइटर यूज़ करने की कोशिश की अपने इनर कॉर्नर्स में, लेकिन टोटली मैस हो गया। यू कैन सी कितनी ज़्यादा ब्लीडिंग सा लग रहा था, मतलब बिल्कुल मैसी लग रही थी मेरी आई लुक, मुझे ये बिल्कुल बढ़िया नहीं लगा। सो फेस को मैं अभी कॉन्टोर करूँगी बिकॉज मेरे पास एल्फ से कोई भी प्रोडक्ट मैंने परचेज नहीं किया था कॉन्टोरिंग के लिए। बटर ब्राउन्जर लिया है मैंने फिजिशियन फार्मूला का एंड पूरे फेस को थोड़ा सा चिजल्ड करने के लिए, नोज को कॉन्टोर करने के लिए इसको मैंने यूज़ किया है। एंड मेरे पास कोई भी ब्लश नहीं है, सो आई एम यूजिंग माई ओम्ब्रे ब्लश फ्रॉम वेट एंड वाइल्ड। फॉर हाईलाइटिंग आई एम यूजिंग NYX का बॉन्ड टू ग्लो हाईलाइटर इन द शेड ब्रेक द रिदम।
एंड अगेन वन लास्ट टाइम आई एम यूजिंग दिस ड्यूई सेटिंग मिस्ट, कोकोनट फ्लेवर है लेकिन इसका स्प्रे, जो स्प्रे है इसका, एकदम से मुंह के ऊपर ठश ठश पड़ता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, ठीक है। बाकी मुझे बढ़िया लगा, काफ़ी अच्छा लगा, ड्यूई सी लुक देता है आपको। अब यहाँ पे मेरे पास 3 लिपस्टिक्स हैं फ्रॉम एल्फ। फर्स्ट इज़ दिस डे टू नाइट लिपस्टिक डुओ, जिसमें दो मेरा शेड है द बेरी बैड बेरी बेरीज द बेस्ट बेरीज। फर्स्ट शेड जो मैंने अप्लाई किया, एक तो स्क्रीन के ऊपर कुछ और लग रहा था एंड एक्चुअल में ये शेड ऐसा है, ठीक है। और ये वाला शेड जो है मेरे फेस को बहुत ज़्यादा वॉश ऑफ कर रहा था। ये डे टू नाइट इन द सेंस कि एक साइड पे आपको मिलती है थोड़ी लाइटर लिपस्टिक, अदर साइड पे आपको डार्कर मिलती है। ये प्लम सा शेड है, अगेन ये स्क्रीन के ऊपर बहुत ही प्यारा एक बेरी शेड में लग रहा था, प्लम सा शेड, लेकिन एक्चुअल में ये रेड एंड मरून टोन में दिख रहा है। ये क्रीमी लिपस्टिक है, बुलेट लिपस्टिक है, अच्छा लगा मुझे फॉर्मूला। 650 रुपीज़ इसकी MRP है एंड इसमें आपको 2 लिपस्टिक मिलती हैं और ये ट्रांसफ़र भी होती है ऑब्वियसली बिकॉज ये एक बुलेट लिपस्टिक है, लेकिन बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है लिप्स के ऊपर एंड इसका फॉर्मूला काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगा। शाइन भी है, अगर आपको ऐसी बुलेट लिपस्टिक्स अच्छी लगती है तो आप इनको ट्राई कर सकते हो। इसमें आपको 4 अलग अलग वेरियंट्स मिल जाएंगे, ठीक है, 4 शेड्स में ये लॉन्च हुई है। तो 650 में आपको बेसिकली 2 लिपस्टिक्स मिलती हैं, ठीक है, और ये यू कैन से ट्रांसफ़र भी होती हैं, लेकिन मैंने एक दो बार ट्रांसफ़र करके देखी, काफ़ी अच्छे से ट्रांसफ़र हुई, लेकिन फिर भी मेरे लिप्स के ऊपर इनकी पिगमेंटेशन काफ़ी बढ़िया से रही थी और इसको रिमूव करने के बाद भी आपके लिप्स के ऊपर इट्स लाइक स्टेन के जैसे ये रहती है लिप्स के ऊपर, यू कैन सी शाइन भी है अभी भी लिप्स के ऊपर एंड पिगमेंटेशन भी ठीक ठाक सी है लिप्स के ऊपर एंड ये 650 रुपीज़ की आपको मिलती है। इसमें आपको 4 शेड मिल जाते हैं। अब यहाँ पे मैं यूज़ कर रही हूँ एल्फ का ये लिप लैकर, ये 400 रुपीज़ में मिल जाता है। ये मूडी मैंने शेड लिया था लेकिन ये ना मतलब स्क्रीन के ऊपर कुछ लग रहा है एंड डार्कर लिप्स के ऊपर आप देख सकते हैं मेरी डार्कर लिप्स हैं तो मेरे लिप्स के ऊपर कुछ ऐसी इसने शाइन दी है, ये लिप लैकर है, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे इसी के ऊपर अप्लाई कर रही हूँ लिप प्लम्पिंग ग्लॉस एंड इसमें मैंने शेड लिया है, आपको मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, बट ये मुझे ग्लॉस बहुत बढ़िया लगा, ये बहुत अच्छे से लिप्स को प्लम्प लुक देता है। इसको अप्लाई करने के बाद आपके लिप्स बहुत ज़्यादा जूसी से लगते हैं एंड काफ़ी अच्छा लगा एंड कूलिंग इफेक्ट मिलता है। 800 रुपीज़ का ये लिप ग्लॉस है। सो ऑल इन ऑल अगर मैं बात करूँ तो एल्फ के कोई भी प्रोडक्ट मुझे एज सच बहुत ज़्यादा माइंड ब्लोइंग नहीं लगा, कि कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं लगा कि जिसको मैंने आज तक यूज़ ना किया हो या कुछ ऐसा न्यू प्रोडक्ट मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा मैं जिसको रीपरचेज करना चाहूँगी, नहीं। मुझे कोकोनट ड्यूई सेटिंग मिस्ट सबसे अच्छी लगी, बढ़िया लगी, लेकिन वो 1100 रुपीज़ की है एंड सबसे बढ़िया लगा मुझे ये लिप प्लम्पिंग ग्लॉस, ठीक है, ये 800 रुपीज़ का है। सो ऑल इन ऑल मुझे ग्लॉस एंड सिर्फ ड्यूई सेटिंग मिस्ट ही अच्छी लगी, बाकी कोई भी प्रोडक्ट मुझे ना तो बढ़िया लगा, ना मैं आपको रेकमेंड करूँगी, ना सजेस्ट करूँगी, ना ही मैं खुद रीपरचेज कोई भी उनमें से प्रोडक्ट यूज़ कर रीपरचेज करूँगी, ठीक है। सो आई होप आप लोगों के लिए ये नॉन स्पॉन्सर्ड रिव्यू वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, बढ़िया लगी है, आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही है, सो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड कमेंट डाउन करके अपना फीडबैक ज़रूर से शेयर करना, ठीक है। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय एंड टेक केयर। कोई भी आपके क्वेश्चन सजेशन कोई क्वेरी है आप नीचे कमेंट डाउन कर सकते हैं।